कई स्टेट लगा करते थे और बात होती थी मुसलमानों जब वो सत्ता में नहीं, वो कहते थे मुसलमानों को रिजर्वेशन मिलना चाहिए। कहा गए वो, कहा है वो लोग, कहा है मुसलमानों के हमदर्द, कहा है सेक्युलरिज्म का ढोल बजाने वाले मामला। और मैं ये दावे के साथ कहता हूं, जब 5% 5% रिजर्वेशन आरक्षण मुसलमानों को एजुकेशन में तालीम में मिलेगा, तो इंशाअल्लाह वही बच्चा जो 40 लाख पढ़ रहा है, तो मैं समझता हूं 1000 रुपए में उसका एक फॉर्म होगा और उसका काम हो जाएगा। आज मुसलमानों का क्या हाल हो गया है, राष्ट्रवादी कांग्रेस और कांग्रेस ने तो यह हाल बना दी। जब वो सत्ता में नहीं थी, जब वो सत्ता में नहीं थी तो कई रैली निकला करती थी, कई जलसे हुआ करते थे, कई स्टेज लगा करते थे और बात होती थी मुसलमानों की। जब वो सत्ता में नहीं, वो कहते थे मुसलमानों को रिजर्वेशन मिलना चाहिए। कहा गए वो लोग, कहा है वो लोग, कहा है मुसलमानों के हमदर्द, कहा है सेक्युलरिज्म का ढोल बजाने वाले। मामला तो ये हुआ, मुसलमानों के साथ हमेशा ये ज़बान मिली तो कटी हुई, हर मिली कलम तो बिकी हुई, ये मामला है यार। तो आने वाली नस्लों को अगर रिजर्वेशन का फायदा मिलना चाहिए तो आप लोगों को मुत्तहिद होना पड़ेगा। अगर आप मुत्तहिद नहीं होंगे, आप फिक्र नहीं करेंगे, आप नहीं समझेंगे ये रिजर्वेशन क्यों है और क्या है, तो मैं समझता हूं आने वाला मुस्तकबिल वही रोड पर, वही चौराहे पर ऑटो रिक्शा, टपरी और तरह तरह के छोटे मोटे कारोबार। तो मेरी आप सबसे गुजारिश है, जो 27 तारीख को जो रैली का प्रोग्राम रखा गया है, चलो मुंबई, ये प्रोग्राम आपके आने से ही कामयाब होगा। ये प्रोग्राम आपके आने से ही कामयाब होगा और मैं समझता हूं हर घर से एक वर्द को निकलना चाहिए। और ये लड़ाई मुसलमानों की है, कोई पॉलिटिकल पार्टी की नहीं, ना ही हम इलेक्शन की बात कर रहे हैं, ना ही हम वोटों की बात कर रहे हैं, वो जब होगा देखेंगे। मगर आज जो हालात है ये देखना चाहिए, आज जो हालात है ये देखना चाहिए, मुसलमानों ने कितनी तकलीफ उठाई, मुल्क हिंदुस्तान को आजाद करने के लिए मुसलमानों ने कितनी तकलीफ उठाई। हिंदुस्तान को ताज देने वाला कौन, मुसलमान। हिंदुस्तान हुकूमत को घुटने टेकना पड़ा किसानों के लिए, वो तीनों बिल वापस लेना पड़ा कि नहीं भाई, एक साल से संघर्ष कर रहे थे। जब तक आप संघर्ष नहीं करोगे, आप अगर ये समझोगे ये रैली में जाना है और वापस आना है, उसके बाद आपके प्लेट में रिजर्वेशन डाल के दिया जाएगा, तो ये बिल्कुल गलत है। इस तरह का मामला नहीं होगा। आपको जद्दोजहद करना पड़ेगी, आपको बार बार लड़ना पड़ेगा हुकूमत महाराष्ट्र से। अरे लड़ाई अपने हाथ की लड़ाई है, ये लड़ाई सिर्फ इम्तियाज जलील साहब की नहीं, शायद नजबंदी साहब की नहीं, समीर सारी साहब की नहीं, यहां जितने लोग हैं ये भी नहीं, ये लड़ाई है मुसलमानों की और हमें लड़ना होगा, हमें जीतना होगा। आप
तो मेरी आपसे गुजारिश है कि 27 तारीख को जो रैली रखी गई है तिरंगा रैली की शक्ल में, आपको 27 तारीख को मुंबई शहर आना होगा और हुकूमत महाराष्ट्र को एक मैसेज देना होगा कि मुसलमान उड़ गया है, मुसलमान जो शहीद हो गया है। तो आपके ये करने से इंशाल्लाह हुकूमत महाराष्ट्र घुटने टेकने पर मजबूर हो जाएगी। अरे देते कैसा नहीं, रिजर्वेशन देना पड़ेगा। ये लड़ाई अभी तो शुरू हुई है, आगे आगे बहुत लड़ना है। मुसलमान जान चुका है, ये बात जहनों में डालनी होगी, अपने बच्चों को तालीम देनी होगी, अच्छे से अच्छी स्कूल में पढ़ाना होगा, अच्छी से अच्छी तालीम देना होगी, इस्लामिक तालीम भी देना होगी, दुनिया की तालीम भी देना होगी। जब आप उन्हें इस्लाम बताएंगे, बच्चा इंजीनियर बनेगा तो कभी रोड में घोटाला नहीं करेगा, बच्चा डॉक्टर बनेगा इस्लाम की तालीम के साथ, तो मैं गारंटी के साथ कहता हूँ, मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कहता हूँ, वो कभी किसी की डिग्री नहीं बेचेगा। उसको पता है हमारा मजहब क्या है, हमारा इस्लाम क्या है। तो मेरी आपसे फिर से गुजारिश है कि 27 तारीख को आप रैली में आइए और अपने सरों का समंदर बताइए और अपने जिंदा होने का सबूत दीजिए। मैं अपनी बात खत्म करता हूं। जब जब जुल्म ही जुल्म करेगा सत्ता के गलियारों से, इंशाअल्लाह चप्पा चप्पा गूंज उठेगा इंकलाब के नारों से।